मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 23 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। बैठक में बोकारो जिले के 500 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। साथ ही किशोरियों के शिक्षा पर भी बड़ा सवाल हुआ है, यानी कि अब एक ही परिवार की सभी लड़कियों को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। इस्पात नगरी जमशेदपुर में औद्योगिक टाउनशिप पूर्वी सिंहभूम जिले में 15,725 एकड़ जमीन पर बनेगी। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र सीमित के तहत इसका निर्माण कराया जाएगा, जिसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी है। बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उद्योग विभाग से, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 में आंशिक संशोधन के संबंध में। इसके तहत मुख्य रूप से जो GIPP 21 की कंडिका 6.1 में SC/ST वेमेन डिफरेंटली एबल्ड एंटरप्रेनर्स के लिए 5% अनुदान का प्रावधान किया गया है, उसे स्पष्ट किया गया है कि उक्त प्रावधान जो है वो 6.1 में जितना वर्णित प्रावधान है उसके अतिरिक्त 5% उन्हें मिलेगा। साथ ही साथ एंकर यूनिट्स को जो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उसकी भी गाइडलाइंस को शामिल किया गया है। दूसरा प्रस्ताव कार्मिक विभाग से, झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन हेतु विधेयक 2023। इसके तहत गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का जो 2021 का संकल्प है, प्रावधान है, जिसमें 5% क्षैतिज आरक्षण आंदोलनकारियों को दिया जाना है, उसे झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम में समाहित करते हुए उक्त संशोधन किया जा रहा है। प्रस्ताव संख्या 3 पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से, 18/3/21 को आयोजित मुख्यमंत्री एकादश बनाम विधानसभा अध्यक्ष एकादश मैत्री क्रिकेट मैच तथा दिनांक 22/3/2021 को आयोजित मुख्यमंत्री एकादश बनाम पत्रकार एकादश मैत्री क्रिकेट मैच के आयोजन के क्रम में व्यवस्थाओं हेतु किए गए मनोनयन एवं व्यय पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। VESL स्टील लिमिटेड वेदांता बोकारो को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भूमि हस्तांतरित करने के निमित्त स्थायी भू हस्तांतरण का प्रस्ताव है और इसमें जो भूमि है वो पीटाड़ अंचल में है, गिरिडीह जिला के पीटाड़ अंचल में मौजा है अंगैया एवं मंझली डी, कुल रकवा है 92.24 एकड़ और कुल संगणित राशि है 7,15,37,498। संख्या 12 स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग से, बोकारो जिला में 500 शैया वाले नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण हेतु 6,88,49,42,200 रुपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। बोकारो में 500 शैया वाले नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अमाउंट है 6,88,49,42,000। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में राज्य अंतर्गत नियोजन पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान और ग्रेड पे का संशोधन की स्वीकृति दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।